बहन और भाइयों, मैं जब यहां पे आता हूं, यहां के बारे में सुनता हूं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा में जब इस देश में मुगलों का आतंक था, उनका वर्चस्व था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उस कालखंड में जब औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा था और जो कर नहीं दे सकता था उसका जबरन मतांतरण करा रहा था, उस कालखंड में औरंगजेब के दंभ को चकनाचूर करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद करने का काम किया था और हिंदुस्तान के माथे को गर्व के साथ ऊपर उठाने का कार्य किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैं आश्चर्य होता है मुझे इस बात को लेकर के, मैंने सुना है कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष यहां आए थे और अपने संस्कारों के अनुरूप कह रहे थे कि राम कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे यूपी की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है। भारत के अंदर जब हमारा महाराष्ट्र देश के अंदर के सभी लोग मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में अपने वोट की कीमत को समझे हैं और मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व उन लोगों ने स्वीकार करके मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तब कांग्रेस के कलंक को समाप्त करते हुए मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है और आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं।